अल्मोड़ा के क्वाबप में दबकती पहाड़ियों पर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा, जिसको लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने क्वाबप में धरना दिया। अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे तिवारी का कहना है कि क्वाबप में मलबा गिरने से यातायात बाधित हो रहा है, जिससे दीपावली के दौरान व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोग रानीखेत के रास्ते आने को मजबूर हो गए हैं, जिसमें समय भी बहुत अधिक लग रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता महेंद्र कुमार का कहना है कि TSI THDC भू वैज्ञानिकों सहित विभागीय अधिकारियों की टीम ने पहले ही क्वाबप में दबकती पहाड़ियों की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। मलबा हटाने के लिए 2 JCB लगा रखी है और जल्द ही रोड की सुरक्षा दीवार का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। इसमें TSDC की टीम द्वारा और ये GSI की टीम द्वारा 13 तारीख और 17 तारीख को इनके द्वारा निरीक्षण कर लिया गया और इन्होंने अभी रोड की सुरक्षा हेतु डिजाइन हमें ड्राइंग उपलब्ध कराई है, उसके अनुसार अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए जैसे इनके DPR ये सुझाव आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर मौके पर इस समय हमारी 2 JCB और 1 Cochlin मशीन तैनात है। ये आज हमारी मांग है, इसको लेके हम जनता के साथ, व्यापारी के साथ, अपने कांग्रेसजनों के साथ यहाँ पर धरने में बैठे हैं। सरकार को चेताना चाह रहे हैं और सरकार से कहना चाह रहे हैं कि तत्काल इसको इसका स्थायी समाधान निकालने के काम करें। आप देख रहे हैं कि सामने पहाड़ी दरक रही है। आज सुबह ही 6 बजे मार्ग अवरुद्ध हो चुका था, फिर विभागीय अधिकारी को कहकर इस मार्ग को खुलाया, तो कब कोई दुर्घटना घटित हो जाए कोई ऐसी संभावना लग रही है। तो ये बहुत ही संवेदनशील है और मेरा ये कहना है कि प्रदेश की सरकार अपनी मौन बैठी हुई है, केंद्र की सरकार मौन बैठी हुई है, केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर मौन बैठे हुए हैं, उसको इस बहुत ही गंभीर विषय को तत्काल इसका निस्तारण करना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए, जिससे कि हमारे व्यापारी से लेके, हमारे पर्यटक से लेके, हमारे जो दीपावली में बच्चे आने वाले लोग हैं, जो हमारे जो पर्यटक स्थल में हमारे तीर्थार्थी आते हैं, तो उन सबको सुविधा हो सके, यहाँ के आम जनमानस को सुविधा हो सके।